सो है गाइस, कुछ इस टाइप का एडिटिंग करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो यहाँ पर रेड कलर में सब्सक्राइब बटन होता है, तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और साइड में बेल का भी आइकॉन आता है, तो बेल के आइकॉन को क्लिक करना और ऊपर में आल के ऑप्शन को जो है सेलेक्ट कर लेना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और लेटेस्ट वीडियो को देखते रहोगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सबसे पहले तो यहाँ पर मोबाइल में जाओ, मोबाइल में पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करना, प्लस के आइकन को क्लिक करना, एडिट अ फोटो को क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पर अपने बैकग्राउंड को जो है सेलेक्ट कर लेना है, तो इस बैकग्राउंड का डाउनलोड लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन से इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना और सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर साइड में जाना, साइड में ऐड फोटो का ऑप्शन होता है, लिखा होता है ऐड फोटो, उसे क्लिक कर लेना। अब यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम आईडी का स्क्रीनशॉट को ऐड करना है, तो पहले से मैं ले कर रखा हूँ स्क्रीनशॉट को, तो कुछ इस टाइप से अपने इंस्टाग्राम का आईडी का स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद कुछ इस टाइप से ऐड कर लेना। यहाँ पर क्रॉप करना चाहते हो तो क्रॉप करने के लिए यहाँ पर साइड में क्रॉप का ऑप्शन दिया रहता है, तो लिखा भी होता है क्रॉप, तो उसे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऊपर और नीचे साइड में अच्छे से क्रॉप कर लेना। इसके बाद यहाँ पर ऊपर में राइट का आइकॉन है, उसे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर कुछ इस टाइप से अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेना, अच्छे से सेट कर लेना, इसे चौड़ा या ऊपर नीचे कर सकते हो, तो अच्छे से सेट कर लेना। मैं जो है अच्छे से सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर डन करना होगा, तो डन करना होगा तो ऊपर में राइट का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, तो इस राइट का आइकॉन को जो है क्लिक कर देंगे और इस इमेज को जो है डन कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अब फिर से जो है चले जाना है ऐड फोटो के ऑप्शन में, तो ऐड फोटो के ऑप्शन को क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने इमेज को जो है ऐड करना है, तो ये वाले मॉडल का पिक को मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसे जो है ऐड कर लेता हूँ। इसका बैकग्राउंड जो है पहले से रिमूवेड है, देख रहे होगे, तो अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड नाम का एक वीडियो लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करने के बाद एक वीडियो प्ले हो जाएगा, उस वीडियो में मैं बता दिया हूँ कि कैसे बैकग्राउंड रिमूव किया जाता है, तो अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता होगा तो वीडियो को देख कर सीख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर साइड में चले जाना, साइड में यहाँ पर शेडो का ऑप्शन होता है, उसे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन आता है, तो सेंटर में जो पोजीशन का ऑप्शन है, पोजीशन को क्लिक करना और इसके अमाउंट को जैसे मैं रख रहा हूँ कुछ इस टाइप से रख लेना। इसके बाद यहाँ पर पहले नंबर पर एडजस्ट का ऑप्शन है, उसमें चले जाएंगे, इसके अमाउंट को भी कुछ इस टाइप से कम कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर से पोजीशन में जाएंगे, पोजीशन में अच्छे से कुछ इस टाइप से सेट कर लेंगे अपने हिसाब से, तो इसे जो है अपने हिसाब से शेडो क्रिएट कर सकते हो। मैं जो है कुछ इस टाइप से शेडो क्रिएट कर लिया हूँ। अब यहाँ पर पैर के पास शेडो क्रिएट करने के लिए एक ब्लैक इमेज का यूज करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर ऐड फोटो का ऑप्शन होगा, उसे जो है क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये वाले ब्लैक इमेज को जो है ऐड कर लेना, इस इमेज का डाउनलोड लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना और ऐसे ऐड कर लेना। इसके बाद यहाँ पर अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेना, छोटा बड़ा करके कुछ इस टाइप से, तो अच्छे से एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा ये लेयर वाला ऑप्शन, तो लेयर वाले ऑप्शन को क्लिक करना। यहाँ पर मूव डाउन का ऑप्शन आएगा, तो मूव डाउन कर देना, जिससे कि ये पैर के नीचे हो जाएगा कुछ इस टाइप से। यहाँ पर अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पर दूसरे पैर के लिए भी करना है, तो यहाँ पर डुप्लीकेट का भी ऑप्शन आ रहा होगा, तो उसे क्लिक कर देना और यहाँ पर कुछ इस टाइप से दूसरे पैर में भी कर लेना। इसके बाद इसे भी मूव डाउन कर देना, जिससे कि ये पैर के नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ब्लैक लग रहा होगा, तो ओपेसिटी को जो है कम कर लेना, इसके बाद ये जो है हो जाएगा। अब इसे जो है डन करना है, तो डन करना है तो ऊपर में राइट का आइकॉन है, इस राइट के आइकॉन को क्लिक करके डन कर देंगे। अब यहाँ पर ऐड फोटो के ऑप्शन में चले जाएंगे, तो साइड में होता है ऐड फोटो का ऑप्शन, उसे जो है क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पर ये वाले ब्लू और रेड वाले कलर को जो है ऐड कर लेना। इसके बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप से बड़ा कर देंगे, बड़ा करने के बाद अच्छे से कुछ इस टाइप से पूरा इमेज में कर लेना। अब यहाँ पर साइड में चले जाना, साइड में यहाँ पर ब्लेंड नाम का एक ऑप्शन होगा, ब्लेंडिंग मोड होता है, तो ब्लेंड में चले जाना और स्क्रीन कर देना, तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे भी डन करना होगा, तो ऊपर में राइट का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, उस राइट के आइकॉन को क्लिक करके इसे जो है डन कर लेंगे। इस इमेज को सेव करना है अपने फ़ोन में, तो यहाँ पर डाउनलोड का आइकॉन रहता है, साइड में देख रहे होगे डाउनलोड या सेव का आइकॉन रहता है, उसे क्लिक करके सेव कर सकते हो अपने फ़ोन में। अब जो है लाइटरूम में इसी इमेज को जो है शेयर कर देना, तो मैं जो है लाइटरूम में शेयर कर दिया, तो ये कुछ इस टाइप से आ गया। सबसे पहले लाइट वाले ऑप्शन में जाके कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे और हाईलाइट को कम कर देंगे कुछ इस टाइप से, और शेडो को भी कुछ इस टाइप से हल्का से कम कर लेंगे, अपने हिसाब से कर सकते हो लाइट वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पर ये टेम्परेचर वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर टिंट को इधर उधर करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, तो वाइब्रेंस को जो है बढ़ा दिया। और मिक्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर ऑरेंज वाले कलर को जो है ये लुमिनेंस को बढ़ा देंगे और सेचुरेशन को कम कर देंगे, तो फेस का कलर जो है वाइट होता है, तो इसे भी डन कर लेंगे। अब यहाँ पर ये वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसमें जाने के बाद क्लैरिटी को हल्का सा कुछ इस टाइप से बढ़ाएंगे और यहाँ पर विग्नेट में विग्नेट को माइनस करेंगे, तो साइड साइड में विग्नेट क्रिएट हो जाता है,
तो कुछ इस टाइप से हो गया। और फेदर को जो है बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर ये वाले ऑप्शन में जाएंगे, शार्पनिंग सबसे ऊपर में होता है उसे बढ़ा देना, नॉइस रिडक्शन को बढ़ा देना, कलर नॉइस रिडक्शन को भी बढ़ा देना, जिससे कि पूरा स्मूथ हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर में एक ऑप्शन होता है ये वाला सिलेक्टिव टूल, इसमें चले जाना और यहाँ पर ये सर्कल वाले सिलेक्टिव को सिलेक्ट करना और कुछ इस टाइप से कर लेना अपने मॉडल के पिक में। इसके बाद यहाँ पर साइड में चले जाना लाइट वाले ऑप्शन में। लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर शेडो को जो है बढ़ा देना, जो ब्लैक ब्लैक आ रहा होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से बढ़ा सकते हो, बॉडी में ब्लैक ब्लैक आ रहा होगा तो ऐसे कर लेना तो बॉडी का ब्लैक जो है पूरा हट जाएगा। तो इसे डन करना होगा तो ऊपर में राइट का आइकॉन था उसे क्लिक करके डन कर लिया। इसे सेव करना होगा तो ऊपर में शेयर का आइकॉन है, शेयर के आइकॉन को क्लिक करना, सेव टू डिवाइस के ऑप्शन को क्लिक करना तो ये अपने गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही सेकेंड में ये जो है अपने गैलरी में सेव हो जाएगा। ये देख सकते हो, इसे बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो कुछ इस टाइप से, ये रहा बिफोर एंड ये रहा आफ्टर। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और हो सके तो कमेंट भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह का वीडियो ट्यूटोरियल आता रहता है। यहाँ पर दो वीडियो देखने को मिल रहा होगा, दोनों इसी चैनल का है, दोनों में से एक को क्लिक करके देख सकते